युवा तस्करों से हुई पुलिस की मुठभेड़, एक तस्कर के पैर में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी घायल। गोवंशी पशु की सूचना पर पुलिस ने तस्करों को घेरा, तीन तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। थाना कोतवाली सिविल लाइन इलाके की घटना, एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि दो बदमाशों को पुलिस ने घेर कर हिरासत में ले लिया, एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। गाड़ी की अलग अलग नंबर की नंबर प्लेट और एक बैल भी बरामद किया गया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस को मिली सूचना पर कोसी किनारे आश्रम पद्धति स्कूल के पास से गोवंशीय पशुओं को ले जाने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने क्षेत्र में घेराबंदी कर महिंद्रा एसयूवी कार को रोकना चाहा तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी गई और पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। बचाव में जवाबी फायरिंग में दो तस्करों ने गाड़ी पेड़ में ठोक दी और एक तस्कर के पैर में गोली लगी है जबकि एक सिपाही भी घायल हो गया है, जबकि दो भाग रहे गो तस्करों को पुलिस ने घेर कर गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम, अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक शगुन कुमार ने बताया कि शाम के टाइम पुलिस गश्त पर थी और पुलिस को सूचना मिली थी कि गांधी समाधि के पास से गो तस्कर जाएंगे, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर ली और गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और दोनों ओर से 5 राउंड फायरिंग हुई। एक तस्कर के पैर में गोली लगी है और इसमें एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। क्या असर थे मुठभेड़ जो हुई, क्या मामला? शाम के टाइम हमारी पुलिस पूरे शहर में चेकिंग कर रही थी तो मुखबिर की सूचना पे हम लोग एक गौ तस्कर के पीछे लगे हुए थे तो इंस्पेक्टर सिविल लाइंस ने गांधी समाधि के पास एक गाड़ी नोटिस करी जो सस्पिशियस फ्रेम मूव कर रही थी, जिसकी सूचना हमारे पास थी तो उसका पीछा किया। तो जब इस रोड पर आए, ये कोसी नदी के कच्चा रास्ता है, तो उन्होंने गाड़ी आप देख सकते हैं पेड़ में टक्कर मारी और जब पुलिस ने इनको ललकारा तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लगी, उसका नाम शेर जामा है, जिसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। साथ में उसके दो साथी थे जो मौके से भागे, पुलिस ने चेस करके कॉम्बिंग करके उन्हें भी अरेस्ट कर लिया है। उनके नाम है नौमान और परवेश, दोनों भी सिविल लाइन थाने पर ले जाए गए हैं। इसमें एक हमारा सिपाही है, उसको बाजू में इंजरी हुई है, उसको भी इलाज के लिए हमने हॉस्पिटल भेज दिया। सर कितने बदमाश थे इस गाड़ी में? टोटल 3 बदमाश थे, उनके पास से अवैध असले भी बरामद हुए, एक पिस्टल और 2 तमंचे। और साथ में आप जैसे देख सकते हैं गाड़ी में अभी एक जानवर भी है, सफ़ेद जानवर है, तो अभी हम उसको थाने पर ले जाएंगे। कितने राउंड गोलियाँ चलाई हैं? करीब 5 राउंड उनकी तरफ से फायर हुआ था, पुलिस ने जो फायरिंग में भी 5-6 राउंड फायरिंग करी है। अभी हम लोग उसको काउंट भी कर रहे हैं कितने कोके उन्होंने फायर किए हैं। साथ में जो पिस्टल थी जिससे फायर हुआ था वो मौके पे मिल गई, सील हो गई, और जो 2 अरेस्ट उनके पास है तमंचे भी मिल गए। गाड़ी का कोई आपराधिक इतिहास अभी? जो मेन जिसके पैर में गोली लगी है उसके ऊपर करीब 12-13 मुकदमे हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री और निकाल रहे हैं हमारे जनपद की भी और आसपास के जनपदों की भी, और बाकी जो 2 हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री। दूसरी चीज़, जो गाड़ी को सर्च किया है अभी, तो अभी फिलहाल में क्या क्या मिला है? अभी इसके अंदर एक गौवंशीय जानवर है, उसको अभी खोला नहीं है क्योंकि भिड़क सकता है, थाने ले जाके इसको प्रॉपरली खोलेंगे। साथ में गाड़ी को जब उसको खोलेंगे तो और तलाशी लेंगे और कोई इसमें इलीगल सामान। कई नंबर प्लेट्स भी हम देख रहे हैं, नंबर प्लेट्स 4 नंबर प्लेट मिली हैं, फर्जी नंबर प्लेट है, उन्हें भी सील कर दिया गया। ठीक, थैंक यू।